शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जानते हो, तुम्हारे करीब होती हूँ ना तो लगता है दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई हमें। बड़ी रोमांटिक हो रही हो। हम तो हैं ही रोमांटिक। एक तुम ही हो, थोड़ी देर के लिए आए और चले गए। और जो हम रोज तुम्हारे लिए रिस्क लेते हैं उसका क्या? कौन सा रिस्क? काम का। अब हमारे लिए इतना भी नहीं करोगे क्या? तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। बस कहने की बात है। हमारा बस चले तो हम यही रह जाए, कहीं ना जाए। मत जाओ ना। बस ये तो अपनी बस में नहीं। जानती हो दिन का सबसे खूबसूरत वक्त हमारा कौन सा होता है? कौन सा? जब तुम हमारे साथ होती हो। डॉक्टर साहब का फोन आ गया, अब तो जाना पड़ेगा यार। थोड़ी देर रुक जाओ ना। अब जाने दो, नहीं तो निकाल देगा हमको नौकरी पे से। आज फिर से लेट जी जी, वो जी जी का लगा रखा है। आज क्या बहाना है? सब काम भी नहीं करते। तुम आके ना मेरी सीट पे बैठ जाओ, हम कंपाउंडर बन जाते हैं। सर सर वो ट्रैफिक था, आई एम रियली वेरी सॉरी सर। हम तो रोज टाइम पे आते हैं, हमें तो ट्रैफिक नहीं मिलती। सर ध्यान रखेंगे आगे से, सर लेट नहीं होंगे। चुप, हर बार तुम यही बोलते हो और हर रोज लेट आते हो। अगली बार अगर लेट आए ना बेटा तो ऐसा करना, सीधे घर चले जाना, यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। जी सर हम ध्यान रखेंगे सर, आगे से नहीं होगा सर। आखिरी वार्निंग है। जी सर। चलो बाहर जाके बैठो और पेशेंट को अंदर भेजो। जी सर। हेलो, आप क्लिनिक पहुंच गए? हाँ। अच्छा, टिफिन कब भेजो? अभी भिजवा दो। अच्छा, आप उसे थोड़ी देर में भेज दीजिएगा। ठीक है, मैं भेजता हूँ। देखो मूड हमारा ना ठीक नहीं है और तुम्हारे चक्कर में लेट हो गए हम आज। सोमनाथ तुमसे बाद में बात करते, बुला रहे हो हमको। बाद में बात करते हैं, बाद में फोन करेंगे। सोमनाथ सर,
सर देखो कोई बाहर पेशेंट है? नहीं सर। ठीक है तो एक काम करो, मेरे घर जाओ और वहां से लंच ले आओ मेरा। जी सर। डॉक्टर साहब को लंच दे दीजिए। अभी लाए। दीजिए मैडम। बड़े फॉर्मल हो रहे हो। मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारा पति फिर मेरी छाती पे चढ़कर नाचेगा। इतना गुस्सा? क्या बकवास कर रही हो? कभी कभी तो मेरा मन करता है कि इसी खाने में जहर डाल के तुम्हारे पति को खिला दूं मैं। रुको, अभी तुम्हारा सारा गुस्सा दो कर। मुझे जाने दो, मुझे लेट हो जाएगा आज फिर से। क्या बंद क्या कर रही हो तुम? मुझे लेट हो जाएगा खाना। ये क्या कर रही हो तुम? ये क्या? मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक से पकड़ो। मुझे ऐसे प्यार करोगे? हाँ चले जाना, थोड़ी देर से चले जाना। तुम मानोगे नहीं ना? अच्छा मैडम मैं चलता हूँ। ये सोमनाथ है, तुम्हारे भैया की क्लिनिक में काम करता है। टिफिन बॉक्स ले लिया ना? हाँ हाँ ले लिया। हाँ आओ बैठो। भाभी वो चेक? हाँ हाँ पता है तुम किस लिए आई हो। माना कि रवि तुम्हारा भाई है, लेकिन ऐसे हर वक्त पैसे लेना, हमें भी प्रॉब्लम होती है। भाभी क्या करूं, इनके जाने के बाद ना अब भैया ही मेरा सहारा है। तो कोई काम ढूंढो या फिर कोई अच्छा सा लड़का देखकर शादी कर लो, जो तुम्हारी देखभाल भी करे और तुम्हारे खर्चों की। बाकी इस महीने का खर्चा तो उन्होंने मुझे भी नहीं दिया है, तो अभी तो नहीं दे पाऊंगी। तुम चाहो तो अपने भाई रवि से पूछ सकती हो। जानती हूँ भाभी आप थोड़ी झूठ बोलेंगे, मैं बाद में ले लूंगी। अच्छा ठीक है अब चलती हूँ मैं। रेखा एक ग्लास पानी ले आओ यार, बहुत थक गए। ये लीजिए, आज बड़े थके हुए लग रहे हो। आज काम थोड़ा ज्यादा था यार। रुको अभी तुम्हारी सारी थकान दूर कर देती हूँ। क्या बात है आज बड़ी रोमांटिक हो रही हो। हम तो हमेशा से ही रहते हैं, एक तुम ही हो जो ध्यान नहीं देते। कब से कह रहे हैं कि किसी हिल स्टेशन लेके चलो, वहां और भी रोमांटिक हो सकेंगे, पर तुम ना। तुम तो सब जानते हो, हिल स्टेशन जाने का खर्चा और रहने का खर्चा
आजकल क्लिनिक पे लोग भी कम आ रहे हैं, इतने पैसे नहीं है हमारे पास। हमें वो सब नहीं पता, हम बोर हो चुके हैं। और हर महीने जो जया का खर्चा उठाते हो वो उसे पैसे देने के लिए है तुम्हारे पास? वो अलग बात है, हमारे अलावा उसका कोई नहीं है। तुम हमारे साथ चलो, पैसे हम देंगे। पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? आज सुबह जया घर आई, हमने बहाना कर दिया कि तुमने पैसे दिए ही नहीं। पागल हो गई हो क्या? चुपचाप से जया के पैसे जया को दे देना। हम नहीं दे रहे, उसका पति मर गया और वो छोड़ गया हमारे सर पे। काश उसके साथ वो भी मर जाती। रेखा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बीवी हो हमारी, इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं, नहीं तो जान से मार देते तुम्हें। मारो मारो, मार डालो मुझे, जान से मार डालो, सारा टेंशन ही खत्म हो जाएगा। हम मम्मी पापा से कहते रह गए कि हमें शादी नहीं करनी है, लेकिन अरेंज मैरिज करा दी तुम्हारे साथ डॉक्टर के साथ। रुके क्यों, मार डालो हमें, जान से मार डालो। तुमसे ना बात ही करना बेकार है। रवि, हम क्यों मरेंगे? मरेगा तो कोई और। सॉरी, कल हम कुछ ज्यादा गुस्सा कर दिया ना, मेरी बहन के बारे में कुछ बोलता है ना कोई तुम्हारा खून खोल जाता है, माफ भी कर दो ना। तुम्हें क्या इनवाइट करना पड़ेगा, घर आओ जल्दी। अरे हम कूद फांद के आ रहे खिड़कियों पे, सर मैडम को कोई रिएक्शन ही नहीं है, क्या मूड ऑफ है क्या? हाँ मूड ऑफ है मेरा, तंग आ गई हूँ मैं रोज रोज के झगड़ों से। अब क्या हो गया? हम ना यहाँ से निकलना चाहते, शादी करके फंस गए हम, कितने सपने थे मेरे सब टूट गए। ये आदमी तो मुझे ठीक से घुमाने तक नहीं लेके जाता है। अरे तो मैं ले जाऊंगा तुमको घुमाने के लिए, बस इस महीने की सैलरी आने दो। मैं सैलरी तक इंतजार नहीं कर सकती, है मेरे पास पैसे, डॉक्टर साहब को काम करने दो, तुम ना छुट्टी ले लो कुछ दिन के लिए, उस जया को तो मैं पैसे देने से रही, फिर हम हिल स्टेशन में सारे पैसे खर्च करेंगे। ठीक है तो फिर मैं आज ही सर से जाके बात कर लेता हूँ छुट्टी की, फिर साथ में चलते हैं हिल स्टेशन। आज ना तुम्हें क्लिनिक जाने नहीं देंगे हम। तो फिर हमेशा के लिए छुट्टी कर देंगे तुम्हारे डॉक्टर साहब। सोमनाथ, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? एक बात बताओ, तुम्हें शास्त्री जी की फाइल लाने को बोला था, ये शर्मा जी की फाइल उठा के लेके आया, दोनों में फर्क पता नहीं चलता क्या? अब एक काम करो, शास्त्री जी की फाइल लेके आओ। सर एक बात करनी थी। बोलो। छुट्टी चाहिए थी। अच्छा हाँ सर। कितने दिन की? ये 4 दिन की सर।
चार दिन की, पेड़ या अनपेड़? जब आपको ठीक लगे सर। टाइम पे आएंगे नहीं, काम सही से होता नहीं है तुम्हें, छुट्टी चाहिए पूरे हफ्ते की। एक काम करो बेटा, तुम घर जाओ। सर, मतलब? मतलब ये कि काम करके क्या करोगे, घर जाओ और मजे से छुट्टी मनाओ। सर हम तो बस कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। सर हम तो बोल दिया ना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये फाइल यहीं रखो, जाओ। हमारे लिए लंच मत बना। क्या मतलब? वो सोमनाथ को निकाल दी तो। सोमनाथ को निकाल दिया? पर क्यों? वो तो भला आदमी था, इज्जत से पेश आता था। ऐसा कोई लाखों में एक नहीं था, वो दूसरा मिल जाएगा कोई। हेलो। हाँ जया, कैसे हो भैया? हम ठीक हैं, तुम कैसे हो? ठीक हूँ भैया, हम घर आए थे। हाँ, रेखा ने बताया हमको। पैसे नहीं मिले। हाँ, दो दिन का वक्त दीजिए, मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है भैया, नमस्ते। नमस्ते। देखो रेखा, हम जया के लिए पहले बहुत बहस कर चुके हैं, अब आगे नहीं करेंगे। जया को वादा कर चुके हैं, परसों से पैसे दे देना। हम पैसे नहीं देंगे। क्या बोली तुम? एकदम सही बोली। हम ना उसकी वजह से खुश नहीं रह पाते, हर महीने पैसे लेने आ जाती है। अपनी बहन के खिलाफ एक शब्द और नहीं सुनेंगे हम। दिया तुम्हारे पति ने हमें नौकरी पे से, और बनाओ हिल स्टेशन के प्लान। हम पर क्यों भड़क रहे हो? तुमने तो आज झेला है, हम तो कब से झेल रहे हैं। तो हम क्या करें अब, हमारी तो नौकरी चली गई। कभी कभी लगता है ना कि उसे डाइवोर्स ही दे दे। तो दे दो ना, दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है ना कि वो इतनी आसानी से हमें छोड़ेगा नहीं, और अगर छोड़ भी दिया ना तो पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन वो जया हो जाएगी, जो हम खोने नहीं देंगे। काश के कुछ ऐसा हो जाए कि डॉक्टर हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से चला जाए। क्या बात कही तुमने, अगर उस डॉक्टर की मौत हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, और ये काम हम पैसे देकर करवा सकते हैं। ये हो तो सकता है, पर इसके लिए पैसे चाहिए जो मेरे पास है नहीं। हम देंगे पैसे। तुम जानते हो किसी को? तुम मेरा ये काम कराओ, बस उस डॉक्टर से ना छुटकारा दिलवाओ। हाँ पर भर कुछ नहीं, हमें हमारे प्यार के लिए ये करना पड़ेगा। चीफ, काम हो जाएगा ना भैया जी? पांच साल का तजुर्बा है, पेशगी रखो, काम हो जाएगा। निकलो। हाँ निकलो निकलो। तुम भी अपना हाथ गर्म करो। भाई साहब जरा देख के चलाया करो। क्या देख के चलाया करो? गाड़ी पे इतनी जोर से गाड़ी ठोक दी हमारी। गाड़ी? कौन सी गाड़ी? पागल पागल हो गए हो क्या?
एक तो गाड़ी ठोक दी हमारी, ऊपर से सीना जोरी कर रहे हो। कॉलर छोड़ कर रखो, कॉलर छोड़। हाँ कॉलर छोड़। रुक रुक साला, अभी मैं फोन करता हूँ पुलिस को। पुलिस को क्या बुलाएगा बे? पुलिस को बाद में बुलाना, पहले हम रघु संभाल। फोन छोड़ रघु, पकड़ इसको, छोड़ मेरे को, तुम यहां क्या कर रहे हो? रवि का आने का टाइम हो रहा है, जाओ तुम यहां से। जाओ? अब डॉक्टर साहब कभी नहीं आएंगे। क्या मतलब? काम हो गया जो तुमने मुझसे बोला था। सच्ची? बुच्ची। फिर तो जश्न मनाने की रात है। डॉक्टर साहब, क्या चाहिए तुम्हें? डॉक्टर साहब, आपको तो कब का मार दिए होते, वो तो यहां ले आए हैं। बस कुछ देर और फिर मिल जाएगी आपको मुक्ति। कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दीजिए, कर देते हैं पूरी। क्या चाहिए तुम्हें? इतना काहे फड़फड़ा रहे डॉक्टर साहब? अरे भैया जी आ गए, भैया जी आ गए। भैया जी यही है वो। लीजिए भैया जी। कपड़ा हटा दे भैया जी। चल हटा दे। क्या चाहिए तुम्हें? ए तुम सब जो सोच रहे हो हम नहीं। मेरी बात सुनो। एक मिनट, एक मेरी बात सुनो प्लीज। कुछ पता चला? कॉल आया उसका? मार दिया उसे? अभी तक तो कोई फोटो नहीं आया। लगता है तुमने ना गलत आदमी को पैसे दे दिए। मैंने सही जगह पैसे दिए, थोड़ा सबर तो करो। पैसे लेके भाग गया वो। एक तो पहले इतना टेंशन है, ऊपर से थोड़ा सबर करो। लो देख लो। कोई डर नहीं, अब हम आराम से पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। हेलो
इस वक्त कौन आ गया? चुप रहो, धीरे बोलो। तुम यही रहना, जब तक मैं ना बोलू बाहर बताना। जया, तुम इतनी सुबह सुबह? हाँ भाभी, भैया है क्या घर पे? क्यों, क्या काम है? मैं कल से भैया को फोन लगा रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। वो उनको कल रात में ही लखनऊ निकलना पड़ा, कोई इमरजेंसी काम था। कल ही रात में मेरी उनसे बात हुई है, बिजी होंगे इसलिए तुम्हारा फोन नहीं उठाया। भाभी, मेरा तो जी घबरा रहा था तो मैं सीधा घर चली आई। कम से कम फोन तो कर लिया करो, ऐसे कभी भी आ जाती हो। अब तुम जाओ, मुझे ना तैयार होना और बाहर जाना है। अरे जाओ ना। रवि फोन नहीं उठा रहा था और महारानी को चिंता हो रही। इसकी भी सुपारी दे दे क्या? हाँ, वही ऊपर जाके अपने भाई से मिल लेगी। सुबह सुबह इसका सुबह सुबह इसने इसका किसे फोन आ गया। हेलो भैया जी। मैं सोनू त्यागी बोल रहे। हाँ भैया जी, बोलिए भैया जी। इतने बड़े डॉक्टर की सुपारी देके, खुद हलवा खाके हमें चिल्लर में निपटा रहे हो? अबे डबल पैसा लगेगा, डबल। अरे भैया जी, अबे शाम तक पैसे आ जाने चाहिए वरना। अरे भैया जी, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम? भैया जी सुन क्या हुआ? सुपारी वाले गुंडे का फोन था। क्या बोल रहा है? कि डॉक्टर की सुपारी दी और चिल्लर में निपटा दिया और पैसे मांग रहा है। क्या करें, हम तो फंस गए। कह रहा था शाम तक अगर पैसे नहीं लौटाए तो मार डालेगा मुझे। ऐसे कैसे मरवा देगा? तो क्या करें हम? रुको, तुम सोचने दो हमें कुछ। तुम्हारे सोचने के चक्कर में मैं किस दिन मर जाऊंगा? अरे सोचने दो हमें कुछ। हाँ, रवि ने ना इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, उसकी मौत के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे हमें। आज ही उस इंश्योरेंस एजेंट को कॉल करती हूँ मैं। कॉल करो उसको। तब तक तुम उस गुंडे को संभालो। ठीक है, ये तुम कॉल कर लेना। भैजी, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। भैजी हाथ छोड़ रहे हैं। भैजी एक बार, भैजी अबे हाथ नहीं, पैसे मांगे थे पैसे। भैजी थोड़ा वक्त दे दीजिए, भैजी कर देंगे हम। कितने दिन? एक हफ्ता भैया जी, एक हफ्ते में कर देंगे भैया जी। और एक हफ्ते में पैसे लाओगे कैसे भी? भैया जी हम जुगाड़ कर देंगे भैया जी, जुगाड़ कर लेंगे भैया जी। भैया जी हमको लगता है ये गोली देके भाग जाएगा, पैसा वैसे नहीं देगा। गोली देंगे हम भैया जी आपको इंश्योरेंस का पैसा दे देंगे। भैया जी इंश्योरेंस का पैसा दे देंगे। इंश्योरेंस के पैसे?
मतलब भैजी हम लोन ले लेंगे भैजी, हम लोन लेंगे भैजी, हम लोन लेके आपको पूरा पैसा दे देंगे भैजी, भैजी एक हफ्ते का मोहलत दे दीजिए भैजी। ठीक है चल निकल जी, निकल निकल। मैम अगर रवि जी के सामने बात हो जाती तो ज्यादा बेहतर रहता। वो क्या है ना, वो बहुत बिजी रहते हैं, इसीलिए कहा कि हम ही आपसे बात कर लें। देखिए मैम, इंश्योरेंस का जो मुआवजा है वो एक्सीडेंटल डेथ पर ही मिल सकता है, और वो भी उनकी बहन जया जी को। लेकिन बीवी तो मैं हूं ना उनकी, तो मुआवजा तो मुझे ही मिलेगा। नहीं मैम, रवि जी ने नॉमिनेशन में अपनी बहन जया जी का नाम डाला हुआ है। जब तक जया जी या रवि जी लिखित रूप में नहीं देते कि आपको नॉमिनेशन में रखें, तब तक आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, मैं रवि और जया से बात कर लूंगी। एक काम करते हैं मैम, मैं आपको एक फॉर्म देता हूँ, उस पर आप मुझे जया जी या रवि जी का साइन लेके दीजिए। मिल गया ये देखिए, इस पे आप मुझे रवि जी या जया जी का साइन लेके दीजिए, तब काम बन सकता है। सोमनाथ बेटा, तूने क्या क्या सोचा था, बीवी भी अपनी, क्लिनिक भी अपना, लेकिन हुआ क्या, ये मिया बीवी के चक्कर में मेरी नौकरी तो गई, मेरी जिंदगी भी चली जाएगी। बेटा सोमनाथ निकल ले यहां से, निकल जा यहां से। सोमनाथ क्या हुआ? हमको मालूम था तुम यही मिलोगे। क्या हुआ, कुछ बात बनी? बोल रहा है कल शाम तक का टाइम दिया उसने। तुमने इंश्योरेंस वाले से बात की? ये रवि ना मरने के बाद भी जीने नहीं दे रहा है। इंश्योरेंस पॉलिसी में नॉमिनेशन जया का है। हम क्या करेंगे? एक ही रास्ता है, इन पेपर्स पे जया का साइन करवा के इंश्योरेंस पॉलिसी को अपने नाम करवाना। और वो ऐसा क्यों करेगी? नहीं करेगी तो मरेगी। हमें और इस सब में नहीं पढ़ना है, तुम करो ये सब, हमें नहीं पढ़ना है इस सब में। देखो और कोई रास्ता नहीं है, हम जैसा कह रहे हैं वैसा करो, एक बार पैसे आ जाए तो सोचेंगे। तुम्हें जेल जाना है? नहीं। तो फिर हम जैसा कहते हैं ना वैसा कर। हेलो। हेलो जया। हाँ भाभी बोलिए। जया तुम जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन भाभी क्या हुआ? बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। हाँ ठीक है। भाभी क्या हुआ, आपने ऐसे बुलाया? भाभी क्या हुआ आपको, कुछ तो बोलिए। जया जया तुम्हारे भैया की ना, भैया क्या, तुम्हारे भैया इस दुनिया में नहीं रहे। क्या उनका आज ही सुबह एक्सीडेंट हो गया? भाभी क्या बोल रहे हैं आप? जया तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि पति के जाने के बाद कैसा फील होता है। संभालिए खुद को। सुनो जया, तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ भाभी बोलिए। इस पे साइन कर दोगी?
भाभी ये क्या है? तुम्हारे भैया ने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी, तुम अगर इस पे साइन कर दोगी तो हमें कुछ पैसे मिल जाएंगे। मैं साइन क्यों भाभी? और मेरी आगे की जिंदगी भी आराम से बीत जाएगी, फिर मैं तुम्हें भी थोड़े पैसे दे दूंगी। और तुझे भी तो कुछ पैसे की जरूरत होगी ही ना? कितनी बेशरम हो ना भाभी आप, भैया इस दुनिया में ले रहे और आपको इस इंश्योरेंस पॉलिसी की पड़ी है, कितनी बेशरम हो ना आप। बकवास मत कर, साइन तो तुझे करना पड़ेगा। हम साइन नहीं करेंगे। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? आप कुछ भी कर लो, मैं साइन नहीं करूंगी। सोमनाथ, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। साइन तो छोड़ो, करना साइन नहीं करूंगी। छोड़ो, साइन तो तुझे करना ही पड़ेगा। मैंने बोला ना मैं साइन नहीं करूंगी। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? साइन तो तुझे करना पड़ेगा, वरना तुझे मैं आज जान से ही मार दूंगी। मैं अपनी जान दे दूंगी पर साइन नहीं करूंगी। ठीक है, तो आज तुझे जान से ही मार देती हूँ। अरे अब तो नाटक करना बंद कर दे। अरे घबराइए मत डॉक्टर साहब, हम तो आपको देख के ही पहचान लिए थे। लगता है आप हमें नहीं पहचाने। हम कुछ समझे नहीं। समझाते, हमारा नाम सोनू त्यागी, कुछ साल पहले हमारे पैर में गोली लगा, आप ही के पास आए थे रात, आप ही ने गोली निकाला था और पैसे भी नहीं लिए थे, और हम किसी का एहसान इतने जल्दी नहीं भूलते। कुछ याद तो आ रहा है। अरे टेंशन मत लो डॉक्टर साहब, अरे गोली तो हम ऐसे ही चला दिए थे, अब डॉक्टर साहब को मार कर ये पाप हम हमारे सर पे थोड़ी ना लेंगे। ए देख क्या रहे हो, चलो डॉक्टर साहब की रस्सी निकालो। जी भैया। आप टेंशन मत लो, आप ये सोचो कि आपकी सुपारी दी किसने? पता नहीं। जिसको अपने नौकरी से निकाला? सोमनाथ। हाँ वही, उसी ने दी आपकी सुपारी। पर इतनी सी बात के लिए सोमनाथ हमारी सुपारी क्यों देगा? तो वैसे बात तो सही है आपकी, वो अकेला ऐसा काम नहीं करेगा, शायद उसके साथ कोई साजिश में शामिल है। कौन? पता लगाते। आप दो चार दिन हमारे मेहमान बन के रहिए और ये बस अपनी मरने की एक्टिंग कीजिए, और अपने घर वालों को भी कुछ मत बताना, सिर्फ अपनी ये मरने की एक्टिंग जारी रखिए, जैसे हम कहते वैसे ही कीजिए। हे बेटा जा, भाग कर टमाटर का सॉस ले आना। जी भैया जी।
हमें पता था कि सोमनाथ अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, और जब अगले दिन मुझे जया की कॉल आई हेलो हाँ भैया हाँ तुम घर चली जाओ मैं सब समझ गया मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बीवी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी और तुम्हारा नहीं मुझे थोड़ा अजीब लगा और उसके बाद जब जया से बात की और उसने मुझे मेरे लखनऊ जाने के बारे में बताया तो मुझे लग गया कि दाल में कुछ काला नहीं पूरी दाल ही काली क्यों किया तुमने ऐसा बोलो हम परेशान हो चुके थे हम तो शादी नहीं करना चाहते थे लेकिन मम्मी पापा ने अरेंज मैरिज करवा के हमारी पूरी जिंदगी ही बर्बाद कर दी तुम सजा के ही लायक कट्टे साहब ले जाइए इन्हें ले चलो इन दोनों को